हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल बी एस मास्टर फोर साइकोलॉजी की वीडियो दे विच आपां इंपॉर्टेंट लोंग अते शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करांगे। सो सॉरी फॉर द लेट वीडियो, क्योंकि कॉमेंट मैं जरूर देखा सी अते वीडियो दे लई कहे कंटेंट भी लिखा सी, बट मैनू ए सी के पता नहीं कदों है पेपर, है ना। सो कॉमेंट करके मैनू रिमाइंड करा दे करो कि मैम साडा पेपर इस दिन है, ठीक है। अगर तुसीं किसी भी वीडियो की डिमांड करते हो तो मैनू सबजैक्ट ते डेट जरूर लिखा करो कि मैम इस तरीक तक सानू इस चीज़ की वीडियो जिहड़ी हैगी चाहिए है। सो नाल ही दोस्तों वीडियो एंड तक बिना स्किप करे देखो, चैनल नू दब के शेयर करया करो, बिकॉज जिहड़े हैं व्यूज बहुत घट आ रहे हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अज दा वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुसी सैक्शन ए ते सैक्शन बी, ठीक है, एदे विच तुहाडे दो जिहड़े ने टॉपिक्स ने, टॉपिक्स के अगे सब टॉपिक्स ने। तुसी पता की करो, क्योंकि चार क्वेश्चन अपन पूछे जाते हैं, तुसी एक टॉपिक नू बिल्कुल अच्छी तरह कर लो, दूसरे वाला टॉपिक जिहड़ा है शॉर्टली पढ़ लो, ठीक है। क्योंकि पहले वाला जिहड़ा आपां सैक्शन ए दी गल करिए, तां पहले वाला जिहड़ा टॉपिक है उस च थ्यूरीज ने थोड़ा जिहा जिहड़ा है उहदा कंटेंट डिफिकल्ट है, तो इस करके जिहड़ा है तुसीं सैकेंड पार्ट जिहड़ा है ना इहदा सेंसेशन वाला, सेंस ऑर्गनस वाला, तो तुसी ओ वाला करो, वो बहुत ही ज़्यादा नाले तो ईजी रहेगा, नाले इंट्रस्टिंग रहेगा, तो नाले तुसी पिक्स भी दियाँ बना के आ सकते हो, थोनू प्रेजेंटेबल भी ये लगेगा क्वेश्चन, है ना, एग्जामिनर नू, ते नाल ही जिहड़े तुहाडे मार्क्स भी अच्छे आएंगे, क्योंकि तुसी जिहड़ा है विद पिक्स कर रहे हो, ठीक है, डायग्राम्स दे नाल कर रहे हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन जिहड़ा है, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू नो अबाउट सेंसेशन, संवेदना तो की समझते हो, डिफाइन इट्स नेचर एंड करैक्टरिस्टिक्स, आलसो डिफाइन सिग्नल डिटेक्शन थियरी इन डिटेल। तो सुभा अते विशेषतावां बारे लिखो, संवेदना दे संकेत पहचानण दी योग्यता, तो जिहड़ी सिग्नल डिटेक्शन थियरी है ये तुहानूं शॉर्ट लोंग दोनों च पूछी जा सकदी है, अलग तो भी पूछी जा सकती है, फाइन है। उस तो बाद विजुअल सेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये अख वाला क्वेश्चन हैगा, जिन्होंने टेंथ विच आई वाला क्वेश्चन किया होएगा उन्होंने पक्का जिहड़ा है उन्होंने आता होगा ये क्वेश्चन, जिन्होंने CBSE पंजाब स्कूल बोर्ड च आई वाला क्वेश्चन किया, ठीक है। सो विजुअल सेंसेशन दे विच तुसी अख दे पार्ट वगैरह बना के बहुत अच्छी तरह डिस्क्राइब करना है। तो दूजी गल, जो भी कोई भी पार्ट लाइक तुसी ईयर दा पार्ट कर रहे हो, आई दा पार्ट कर रहे हो, है ना, तो तुसी जिहड़ा हैगा उहदे विच जो भी तो तुहाडी लाइक डायग्राम दे विच तुसी पिपल लिखा हैगा, ठीक है, सिलरी मसल्स लिखे ने, या फिर तुसी जिहड़ा हैगा होर लाइक रेटिना लिखा है, तो उहदे बारे भी तुहानू जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इत्थों ही शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सो मैं तां ही तुहानू कह रही हां कि इहदे विचों थोड़े काफ़ी सारे मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो तुहाडा जिहड़ा है ए पार्ट दे विचों शॉर्ट और लोंग दोनों अटैम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। मैं एक तरह तुहानू पेपर दा आइडिया भी दे रही हां कि इदां तुसी इहनूं डिवेलप कर सकते हो चीज़ नूं। विजुअल सेंसेशन की है, स्ट्रक्चर वर्किंग इन आई डिटेल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का पेपर से जड़ा है यह क्वेश्चन आएगा। कलर सेंसेशन वाला, डिटेक्ट्स ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ इट जड़ा है, रंग की संवेदना, रंग अंधता की होंगी है, अर्ध रंग अंधता जड़ी है की होंगी है, ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये जड़े छोटिया छोटिया चीज़ों के शॉर्ट क्वेश्चन निकलेंगे इन्ह चैप्टर्स चो। ऑडिटरी सेंसेशन की है, सुनन संवेदना की है, अति स्ट्रक्चर वर्किंग बहुत ए भी जड़ा है अपना ईयर का पूरा स्ट्रक्चर जड़ा है, या फिर डायरेक्ट पूछ सकते हैं कान की जड़ी हैगी है संवेदना के बारे दसो, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। स्किन की सेंसेशन, स्किन की जड़ी हैगी है सेंसेशन के टाइप्स की होंगे ने, स्ट्रक्चर वर्किंग, सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुसी देखोगे कि अगर तुसी पढ़न बैठोगे ना तो इंपॉर्टेंट भी है और इंट्रस्टिंग भी है, ठीक है। बाकी जड़ा है अगर इंग्लिश मीडियम वाले तो बायजू के नोट्स पे ने, उहदे तो भी तुसी पढ़ सकते हो, ते पंजाबी दे जिहड़े हैगे तुसी फिजिकल दी बुक जिहड़ी हैगी है, फिजिकल दी बुक दे जो तुसी फिल करोगे गूगल दे विच तां फिजिकल दी बुक निकल आती है चमड़ी वाली, है ना, आइज़ वाली, तो ये जिहड़ा है तुसी प्रिपेयर कर सकते हो। सो स्किन सेंसेशन हो गया, स्ट्रक्चर वर्किंग, नेचर टाइप्स डिटेल दे विच हो गए। फिर एक होर क्वेश्चन आता है कि स्किन स्किन सेंसेशन या फिर क्यूटेनियस सेंसेशन की है, डिफाइन ऑल्फैक्टरी एंड गस्टेटरी सेंसेशन, तो गस्टेटरी सेंसेशन ऑल फैक्टरी सेंसेशन जिहड़ा है की है, तो सुनन सूंघण अते स्वाद संवेदना के बारे लिखो, तो यह भी है स्मैल्स किन्नी तरह दियाँ होंदियाँ ने, है ना, टेस्ट सावर बिटर, है ना, तो जिहड़ा हैगा साल्टी स्वीट, तो यह जिहड़ा है सावर दियाँ किस्मां, ठीक है, स्वाद दियाँ किस्मां जिहड़ियां हैगियां तुहानूं क्वेश्चन इहदे विचों शॉर्ट आ सकते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन हैगा जिहड़ा तुहाडा सैक्शन बी का बनता है कि
एक्सप्लेन अटेंशन इट्स नेचर डिटरमीनेंट्स टाइप्स इन डिटेल। तो अटेंशन ध्यान की है, सुभा कारक प्रकार दसो। सिलेक्टिव अटेंशन की होंगी है, स्पैन ऑफ इंटेंशन जी है की होंगी है अटेंशन। चुनवा ध्यान स्पैन ध्यान तो की भाव है, इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है। तो जोड़ा पार्ट बी के फर्स्ट क्वेश्चन ही यही होंगे। सो परसैप्शन की है, नेचर एंड लॉ ऑफ परसैप्शन। तो परसैप्शन के थोड़े थोड़े लॉज जड़े ने अपने वो आप एक्सप्लेन कर देंगे। परसैप्शन ये चार पाँच क्वेश्चन, चार पाँच पेजिस आप एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ठीक है। सब तो पहले परसैप्शन लिखना है, फिर उसके नेचर लिखना है, फिर उसके लॉज, लेकिन लॉज जड़े हैं आप ब्रीफ के देने हैं, नॉट अ डिटेल्ड, ठीक है। एक्सप्लेन डिटरमीनेंट्स ऑफ परसैप्शन इन डिटेल। तो इतने भी है कि परसैप्शन के डिटरमीनेंट्स लिखो, परसैप्शन की स्पेस वाली थीरी जी है डिटेल लिखो, धारना की है इसके कारक स्पेस की धारना की है। फिर एक क्वेश्चन है साइकोफिजिक्स, ठीक है, मनोभौतिकी तो की भाव है, इसदियाँ एबसोल्यूट एंड डिफरेंशियल लेमिनस की ने। सो एदियाँ एबसोल्यूट तो डिफरेंट लेमिनस की ने। सो ये जो है फस्ट क्वेश्चन फस्ट पार्ट के लिया गया। सैकेंडली आप गल करेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन बिनोकुलर क्यूज की होंगे ने, ठीक है। डिफेक्ट्स ऑफ आई, आई दे डिफेक्ट्स की होंगे ने, आई सेंसेशन की होंगे, स्किन सेंसेशन दे टाइप्स की ने, ईयर सेंसेशन की होंगे, फिजिकल जीरो टेंपरेचर की होंगे, टेंपरेचर की होंगे। सो जिन्हें भी आप पॉइंट्स किए ने सारे के सारे जड़े लॉन्ग क्वेश्चन वाले पॉइंट ये आ सकते हैं। सो कलर ब्लाइंडनेस की होंगी है, रटीना की होंगे, आई नर्व्स की होंगे। सो जे कदे मैं आई दी विच कुछ चीज़ भुल गई होव तो वह भी तुसी याद करनी है, ठीक है। सो लिखन टाइम कई बार भुल जाता बंदा। प्राइमरी सेकेंडरी कलर्स केड़े होंगे ने, प्राइमरी केड़े कलर्स होंगे ने, है ना। सो तो सेकेंडरी केड़े होंगे ने जिहड़े मिक्स करके बनाए जाते हैं। वेरीएबल्स की होंगे ने, कॉन्सटेंट वेरीएबल्स की होंगे ने, टाइप ऑफ स्मैल्स की है, टाइप ऑफ टेस्ट की है, है ना। सो ये सारे मैथड ऑफ कॉन्सटेंट स्टिमुलाई, मैथड ऑफ एबसोल्यूटली थ्रेशोल्ड, स्मैल प्रिज्म की होंगे, मैथड ऑफ एवरेज एरर एंड मूलर लेयर इल्यूजन, सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉकटेल पार्टी वाली थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइसर थ्योरी जी है, मॉडल जोड़ा है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंस ऑर्गनस हो गए, कि सेंस ऑर्गन है की वर्किंग करते हैं। कई बार तो बिल्कुल ईजी ही क्वेश्चन पेपर वो पाते हैं, लेकिन कई काफ़ी बार आउटर सिलेबस तो भी आ जाता है। सो सेंसेशन हो गया, सारी तरह देंसेशन हो गई, वेस्टिबुलर सेंसेशन हो गया, काइनेस्थेटिक सेंसेशन हो गया, ऑलफैक्ट्री एंड गस्टेटरी सेंसेशन हो गया, स्किन सेंसेशन हो गया, ऑडिटरी ईयर सेंसेशन हो गया। तो सारे जोड़े पॉइंट ने वो सारे आप करने ने। साइकोफिजिक्स ड्यूटिश मॉडल, नॉर्मन बॉबरो मॉडल हो गया, थ्रेशोल्ड हो गया, स्टिमुलाई एलाइमेंट्स हो गया, टर्मिनल थ्रेशोल्ड, डेसिबल्ड, सिग्नल्स, मतलब ये थोड़े कन वाले नाल संबंध ने। सो नॉइस वगैरह है ना, सिंबल रिकॉग्निशन, आई स्ट्रक्चर कितना था, ईच एंड एवरीथिंग ऑफ आईज। सो आईज दियाँ लेयर्स जड़िया होंगे ने वो करनिया है, कलर मिक्सचर की होंगे, कलर डिफेक्ट्स की होंगे, कलर ब्लाइंडनेस की होंगे, एवोल्यूशनरी एंड जेनेटिक थ्योरी की होंगी है, लेंस की होंगे, पिपिल की होंगे, कोराइट लेयर की होंगी, आयरस, सिलरी मसल्स, ट्राइकुलर थ्योरी की है, ऑडिटरी सिस्टम की है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, ईयर सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग ऑफ ईयर, ईच एंड एवरीथिंग ऑफ स्किन, ईच एंड एवरीथिंग ऑफ टेस्ट, स्मेल, ठीक है, ईच ऑफ एवरीथिंग ऑफ आई एंड नोज, सारा कुछ जोड़ा है थोड़ा ये पूछा जा सकता है। डरमीज, एपीडर्मीज, लेयर ऑफ स्किन्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तो इलावा भी शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ के जाओ, बिकॉज शॉर्ट क्वेश्चन कितों भी पा सकते हैं। सो होप तुहानू वीडियो समझ आ गया होएगा। मिलते हैं अपना नवे वीडियो के नाल, धन्यवाद।